हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फेयर, दिस इज़ विना मैम हियर अगेन एंड टुडे वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज लेट अस प्ले गेम्स. इन पार्ट 1 वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स इन राजस्थान एंड अबाउट डिफरेंट योगासनास, सूर्य नमस्कार एंड डिफरेंट योगासन्स. एंड टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो शुरू करें. स्वामी विवेकानंद सेट, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग. अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा कीप अवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर. यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले जो यूथ है हमारा, जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे किशोर वय के, है ना, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनना है. सो अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन के अलावा जो गेम्स और योगा हैं हमारी बॉडी को शेप में बनाकर रखते हैं, उनकी प्रॉपर शेप रखते हैं, स्लेंडर रखते हैं, मीन्स उन बॉडी की जो प्रॉपर शेप होती है उसी शेप में उसको बनाकर रखते हैं, शेप को ख़राब नहीं होने देते. इसके अलावा हेल्दी रखते हैं बॉडी को, ब्यूटीफुल बना के रखते हैं. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन 20 जून 2015. यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एफर्ट से 21 जून 2015 से ही पूरे वर्ल्ड में योगा डे सेलिब्रेट होता है. नाउअडेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन अवर कंट्री. आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आते हैं हमारे देश में और योगा सीखते हैं. द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड June 21st एज द इंटरनेशनल योगा डे. यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, डिक्लेयर किया है. अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटिफुल. अलॉन्ग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, गेम्स मेक अस डिसिप्लिन. एनकरेजिंग अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन कंपेनियनशिप, गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म. गेम्स टीचर्स विक्ट्री बिलीफ स्ट्रगल एंड मेक अवर लाइफ ब्यूटिफुल. मीन्स मनोरंजन के अलावा गेम्स हमें हेल्दी बनाते हैं, ब्यूटिफुल बनाते हैं. और इसके अलावा अलॉन्ग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल में शारीरिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, आध्यात्मिक डेवलपमेंट करते हैं, हमें डिसिप्लिन बनाते हैं, अनुशासन हमें सिखाते हैं. और क्या करते हैं, हमारे अंदर कोऑपरेशन मीन्स सहयोग की भावना, कंपेनियनशिप की भावना को एनकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं. और गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म, इसके अलावा गेम्स हमारे अंदर जोश भरते हैं, तभी तो हम जोश के साथ गेम्स को, स्पोर्ट्स को खेलते हैं. गेम्स टीचर्स विक्ट्री, गेम्स हमें क्या सिखाते हैं, विजय, बिलीफ, विश्वास, स्ट्रगल, संघर्ष एंड मेक अवर लाइफ ब्यूटीफुल, और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं. यानी गेम्स हमें सिखाते हैं कि संघर्ष करिए, अपने पर विश्वास रखिए, तभी आप विजय हासिल करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे. नाउ इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट. अब ब्रीदिंग रेट मीन्स जो ब्रीदिंग हम करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, उसमें हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले इन गेम्स. व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस. हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है. यानी हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं जल्दी जल्दी. अब देखिए इस चीज को समझने के लिए फिर से एक एक्टिविटी है. सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली. आराम से बैठ जाइए, आराम से सांस लीजिए. प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. अपने फिंगर को अपने नॉस्ट्रिल के सामने रखिए. नॉस्ट्रिल मतलब हमारी नोज में जो दो छेद है ना, जिनसे हम ब्रीथ करते हैं, उनको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं. तो उनसे सांस अंदर लेना मीन्स इनहेल, सांस बाहर निकालना मीन्स एक्सहेल. तो दोनों ही कंडीशन में एयर को फील कीजिए. नाउ जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम्स एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन. अब आप जिस प्लेस पर आप बैठे थे वहाँ खड़े होकर 10-12 टाइम आप जंप करो और फिर से इस एयर को फील करो. व्हाट डू यू रियलाइज, इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीद इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट इज कोल्ड. तो कौन सी कंडीशन में एयर आपको हॉट लगती है और कौन सी कंडीशन में एयर आपको कोल्ड लगती है. एक और एक्टिविटी है, ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3-4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. किसी मिरर पर जिस पे देखकर आप बाल बाल बनाते हैं अपने, तैयार होते हैं ना,
वो ड्रेसिंग मिरर भी ले सकते हैं, कोई कांच का ग्लास भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर या कांच के ग्लास के अंदर एयर आपको छोड़नी है, मुंह से ब्लो करनी। तो आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम द ग्लास एंड द मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो ग्लास है, कांच है या मिरर है, उसकी सरफेस ब्लर हो जाती है। ब्लर का मतलब हमें उसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। दिस इज बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन अवर ब्रीथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ब्रीथ में, हमारी सांस में मॉइस्चर होता है, विच कंडेंस ऑन द कूल सरफेस, जो कि किसी कूल सरफेस पर कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज बाय ब्लोइंग एयर। इस एयर को ब्लो करके हम कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको पता है कई बार जैसे जब विंटर सीजन होता है, जो हमारा आसपास का एटमोसफियर कोल्ड होता है, कूल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह से सांस छोड़ते हैं, हवा निकालते हैं, और हम देख कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं क्या है, ये कंडेंस एयर है जो हमने अपने मुंह से, अपने माउथ से एयर ब्लो की है, वो स्कूल सराउंडिंग में आकर कंडेंस हो जाती है। नाउ देखिए फिगर 5.3, फ्लूट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इन इट। फ्लूट यानी बांसुरी में भी हम एयर ब्लो करके ही तो उसको बजाते हैं ना, प्ले करते हैं। और आपको पता है ये कौन है जो बजा रहे हैं फ्लू बांसुरी को, फ्लूट प्ले कर रहे हैं, कौन है? दिस इज द ग्रेट पर्सन, ग्रेट फ्लूटिस्ट, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, चलिए अब फिर से देखिए एक्टिविटीज हैं। टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड बाय स्टिकिंग पेपर ऑन इट। आपको कोई भी रील की, जो खाली मम्मी के पास रील होती है ना धागे की, थ्रेड की रील, वो आप कोई जो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो वो ले लीजिए, उसके एक साइड पर पेपर पेस्ट कर दीजिए। नाउ मेक अ स्मॉल हॉल नियर द क्लोज एंड एंड प्लेस अ सीड ऑफ मूंज स्वीट केन प्लांट। अब जहाँ पर आपने पेपर स्टिक किया है उसके पास में, उस रील में आपको क्या करना है, एक होल करना है और उसमें मूंज का सीड लगा देना है। मूंज का एक स्वीट केन प्लांट है, हिंदी में इसको सरकंडा कहते हैं, ठीक है। ब्लो एयर इन द रील बाय कीपिंग द ओपन एंड इन माउथ एंड सी वॉट हैपन। अब आपने जो यहाँ क्या करना है, रील में एयर ब्लो करनी है, जिसका खुला हुआ सिरा है, ओपन साइड है, वहां से आपको एयर ब्लो करनी है और देखो फिर क्या होता है। सिट रिलेटेड एंड ब्रीद नॉर्मली, नोट द टाइम एंड काउंट डाउन हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन 1 मिनट। रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट ऑल्सो। अब आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है, नॉर्मली ब्रीद करना है। आप टाइम नोट करके देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीद करते हैं, और ये प्रोसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकते हैं, आपके जो भाई बहन है उनके साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड के 2-3 चक्कर लगाओ। नाउ नोट द टाइम, और अब टाइम नोट करो और कि आप 1 मिनट में कितने टाइम ब्रीद करते हो। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? तो टोटल काउंट ऑफ ब्रीद हैज इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपका जो ब्रीदिंग नंबर है, टोटल काउंटिंग है ब्रीदिंग की, वो बढ़ी या घटी, कम हुई या ज्यादा हुई? अ हेल्दी पर्सन ब्रीद नॉर्मली 15-20 टाइम्स इन अ मिनट। नॉर्मली जो पर्सन है वो 1 मिनट में 15-20 बार ब्रीद करता है। बट वैन वी रन, प्ले, वॉक वेरी फास्ट, अवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। जब हम लेकिन दौड़ते हैं, खेलते हैं, तेजी से चलते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। अब आपके साइज, चेस्ट का जो साइज है, वो मेजरिंग टेप से आप नापिए, साइज करिए, उसको मेजर करिए। देन इनहेल एयर विद फोर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन। अब बिल्कुल बहुत इनहेल करना है आपको, सांस अंदर लेकर भरनी है, और अब अपने फ्रेंड को बोलना है आपके चेस्ट का मेजरमेंट करने के लिए। सिमिलरली मेजर द चेस्ट ऑफ योर क्लासमेट ऑल्सो, और यही प्रोसेस आपको अपने फ्रेंड के साथ भी करना है। डज द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज वैन इनहेलेशन ऑफ द एयर। तो देखो कि आपको ये मालूम करना है कि एयर को इनहेल करने के बाद क्या आपके चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। इन द एंड सिंग दीज लाइन्स इन रिदम विद योर क्लासमेट्स। अब ये लाइन हमें गानी है, गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटिफुल, गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स डेवलप ब्रदरहुड। मीन्स गेम्स हमें एनर्जी देते हैं, हेल्दी और ब्यूटिफुल बनाते हैं,
स्किलफुल बनाते हैं, हमें स्किल्स सिखाते हैं, कौशल, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, और हमें ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा सिखाते हैं, हमारे अंदर ब्रदरहुड की भावना डेवलप करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के नेम हैं जिन्होंने नाम रोशन किया हमारे देश का और हमें प्राउड फील करवाया है, हमारी कंट्री को प्राउड फील करवाया है। स्विमिंग में भक्ति शर्मा, आर्चरी में लिम्बाराम, रेसलिंग में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ऑफ द गेम्स मेंशन अबव, इन विच गेम आर यू इंटरेस्टेड? सो अब आप किस गेम में इंटरेस्टेड हैं, आपको वो सीखने। अब देखो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। देर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इनडोर आउटडोर। गेम्स शुड बी प्लेड विद द स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। वी रिमेन हेल्दी वैन वी प्ले गेम्स। योगा कीप्स अवर बॉडी हेल्दी। वी कैन डू मैनी थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। एंड वॉट इज द मॉरल ऑफ द चैप्टर? प्ले गेम्स, प्रैक्टिस योगा, ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड वेल। सो चिल्ड्रन, आपको भी क्या करना है, योगा करना है, गेम्स खेलने हैं और हेल्दी और वेल रहना है। ओके, बाय।